ना गले मिले ना हाथ मिले ना मेरे सर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम खुद ही बताओ जाना ये क्यामत हुई या ईद हुई। खरीदारी इतनी नहीं हो रही, खरीदारी बाहर पूछ कर चले जाते हैं, महंगाई बहुत है, पूछते चले जाते लेते चले जाते हैं। क्या वजह? अभी 10-12 दुकानों के बाद इधर आया हूँ। अच्छा, रेट बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एचबी रेस्टोरेंट के साथ आपका मेजबान सुमान अली आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है नंदरा में। इस वक्त मैं जन के ये बहुत बड़े एक चौक फारत चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जन के जो अवाम है, जन के जो शहरी हैं, बच्चे बूढ़े बल्कि खवातीन सब यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने जो शॉपिंग करनी थी, इनकी जो डिमांड थी, इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, इनके पास जो एक्सपेंसिव थे, जो पॉकेट मनी थी, क्या उस हिसाब से ये अपनी शॉपिंग जो है उसको पूरा कर रहे हैं या फिर महंगाई की वजह से जो इनकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी हुई है। यानी आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक। आपका यहाँ पे पूरा ग्रुप मुझे लग रहा है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया है, कुछ खरीदा नहीं आपने लगता है? नहीं, अभी लेना है जाके। अच्छा, क्या लेंगे? जूते वगैरह शॉपिंग करेंगे, पैंट शर्ट लेनी है। अभी अभी इसकी शॉपिंग नहीं किया, अभी आए हैं तो इंशाल्लाह लेंगे, लेकिन खरीदारी जो है ना रेट बहुत महंगे हैं यहाँ पर ना, रेट बहुत ऊपर है, इसलिए हम ना थोड़ा फैसलाबाद, उम्मीद है कि फैसलाबाद जाए आप लेने के लिए रात को, लेकिन आप जूते वगैरह तो लेने हैं ना यहाँ से, अब वो लेने के लिए जा रहे हैं। आपका कितना एक मार्जिन था कि हम इतने पैसे ले आएंगे और यहाँ पे हमें जितनी हमारी जो डिमांड है वो मिल जाएगी? 15,000। 15,000 आप कह रहे हैं महंगाई है? नहीं, वो हमारी डिमांड, हमने तो इसलिए लेकर आए थे ना भाई, हमने सामने लेनी है, लेकिन जो हमने यहाँ पर आके रेट पूछा उससे तो उनका रेट इतना हैवी है कि हम सुनकर ही वापस आ गए। एक एक पैंट शर्ट का 5-5, 6-6 हज़ार बोल रहे हैं, तो हम तो ये उम्मीद में भी 3-3 या 3500 में मिल जाएगा हमें, लेकिन इतने में हमारा नहीं बनता है तो हम वापस आ गए। अब जूता लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट से निकल के, इधर से निकले अब उधर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाएंगे। चलिए, मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक और ईद की खुशियां ढेर ढेर मुबारक, खैर मुबारक, अल्लाह हाफिज। प्यारा तो वायरल तो हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे हम, इतनी जल्दी वायरल नहीं होता कोई। अच्छा, कोई डायलॉग बोलना पड़ेगा या कोई माया सुनाओ? अच्छा भाई, डायलॉग भाई यार, शेर सुनाएंगे हम, न गले मिले न हाथ मिले, कैसे भी अब तूने शेर बुला दिया, गले मिले हाथ मिले, हाँ ठीक हो गया, ना गले मिले ना हाथ मिले, कैसे मेरे ईद हुई, अब तुम खुद ही बताओ जाना ये क्यामत हुई या ईद हुई। एक बार फिर ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने, कैमरे में आपने देखा, कैमरे में देखना, क्या ना गले मिले ना हाथ मिले ना मेरे सर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम खुद ही बताओ जाना ये क्यामत हुई या ईद हुई। बड़ी क्या मेहरबानी, शुक्रिया खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद की खुशियां मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मेरी तरफ मुबारक हो, खैर मुबारक। क्या लेने आए भाई? अपने शॉपिंग के लिए आया, जूता लेना है, कपड़े उठा लिए हैं। अच्छा जी भाई, सही है। तो कितनी का आपका मार्जिन था? मार्जिन तकरीबन 10-20 हज़ार का है। उस हिसाब से हर चीज आपको मिल रही है? मिल गई है, मिल गई है, सही है। आपको ईद की एडवांस खुशियां मुबारक हो, खैर मुबारक। क्या बैसो मुबाइस हो रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या खरीदने आए हैं आज? हम यहाँ पे लेने आए हैं अपनी जूतियाँ ईद के लिए। कितने पैसे ले आए हैं घर से? इसका अंदाजा नहीं है, इन सब की जेब में चेक करना पड़ेगी कितने कितने आए इनके पास। कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। अच्छा, क्या खरीदने आए हैं? शू। कितने मार्जिन है, कितने में लेने आप? तकरीबन 2500 तक। 2500 में लगता है मिल जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक? तकरीबन। यह महंगाई है? नहीं, तकरीबन मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। वालेकुम सलाम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तरफ से आपको ईद की खुशियां एडवांस मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो जनाब, खैर मुबारक। अपने और अपने प्यारों को, मुसलमानों को आप ईद के वाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे, महंगाई से तो जो कुछ भी सूरत हाल तुम्हारे सामने ही है आजकल। बस अल्लाह ताला, बस यही है कि अल्लाह के दुआ दुआ करे, मुसलमान मुतहद हो करे, और ज्यादा तो हमें जो है ना उन भाइयों का जाया जो फलस्तीन के अंदर जुल्म सितम हो रहे हैं, उनकी इमदाद करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, हुकूमत को भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, जितने भी हो सके उनकी फंडिंग होनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, और कुछ नहीं उनके पास कम से कम डॉक्टर भेज दे, मेडिसिन भेज दे उनके लिए, कुछ तो करना ही ना मुसलमान होने के नाते। ये मैसेज है जी, पूरी उम्मत मुसलमानों को जाने। आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 65-66 साल है जी। अच्छा बाबा जी, आपने इस उम्र के अंदर तकरीबन अब तक कोई एक शेर तो याद किया होगा जो आप सुना सकते हैं? हो ही नहीं सकता, आपने यार ना किया। कैसा शेर सुनना चाहते हैं आप? किसी भी हवाले से, ईद के हवाले से, कोई प्यार मोहब्बत का या कोई इस्लामी, कुछ भी आप सुना।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद की खुशियां मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आपकी टीम को भी मुबारक हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे शॉपिंग के हवाले से? शॉपिंग की वजह से तो वैसे पहले की तरह ही सारा कुछ वही रूटीन है, वो ही उसी तरह ही ज्यादा बल्कि रश हो गया। हाँ जी, सही है। खरीदारी इतनी नहीं हो रही? खरीदारी बाग पूछ कर चले जाते हैं, महंगाई बहुत है, पूछते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं। क्या वजह? अभी 10-12 दुकानों के बाद इधर आया हूँ। अच्छा, रेट बहुत ज्यादा है। कितना एक मार्जिन लेके आए हैं आप? मार्जिन तो ये था कि 1500-2000, मगर मार्जिन यहाँ पर है 3000-2500 के एक नॉर्मल।